मौसम में गर्मा के आगाज के साथ ही लोगों को जिस फल का बेसब्री से इंतजार होता है वो कोई और नहीं फलों का बादशाह आम है। ये मीठा फल जब सामने होता है तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। आमों की दर्जनों अकसाम अब दुनिया भर में खाई जाती हैं, जिनमें हर एक का जायका, साफ, हजम और रंग मुख्तलिफ होता है। मेरा पास तो आम पड़ा है सबसे वीआईपी माशाल्लाह। हम काम करते हैं साफ सुथरा। सिंदरी आम पड़ा है, चौंसा है, अनवर रेटोल, बिल्कुल है वन अनवर रेटोल, सही है। इसके बाद जो है चौंसा पड़ा है, एक ये चौंसा है मुल्तान का असल चौंसा, एक ये चौंसा पड़ा है बाउलपुर का, ठीक है। सबसे अच्छा मुझे होते है सिंदड़ी, वो सन का होते है अभी पंजाब शुरू है, पंजाब वाले भी अच्छा है जूस, तो सिंदड़ी आम का मिल्क शेक बहुत अच्छा बनते हैं। जूस के हवाले से जो मिल्क शेक है सबसे अच्छा जो है ना ये सिंदड़ी है, इसका अच्छा जो है ना मिल्क शेक बनता है, बहुत प्यारा, जायका भी अच्छा होता है। इसके बाद जो है ना ये चौंसा है, ये चौंसा है, ये भी माशाल्लाह इसका जायका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये मिल्क शेक के लिए ये दो आम, ठीक है, ये भावलपुर से आते हैं ना डेली फ्रेश, अनोलटोर, चौंसा, सरोली, अब तो सरोली ख़त्म हो गया, लेकिन चौंसा, अनवर लटोर और सिंदड़ी ये हमारा डेली नया आता है। ये फल लजीज होने के साथ मुतासिर कुन गिजाई अज्जा से भी भरपूर होता है। आजकल आमों का मौसम शबाब पर है, जगह जगह पीले पीले आम ठेलों और दुकानों पर बड़ी शान के साथ जलवा फरोज हैं। ये सिंदड़ी लगा हुआ है, ये लंगड़ा लगा हुआ है, ये चौंसा लगा हुआ है। ये सिंदड़ी आम होता है, बहुत फायदेमंद जूस के लिए अच्छा होता है, ठीक है, और हमारे कस्टमर हमारे पास जो आते हैं वो यही लेके जाते हैं। आम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को भी बहुत पसंद थे। अपने खतूत में उन्होंने पसंदीदा आमों की तारीफ बारहा की है। उनका कहना है कि आम मीठे, रस भरे और ज्यादा हों। मिर्ज़ा गालिब ने एक मसनवी बानवान आमों की तारीफ में कलमबंद की है, फरमाते हैं, मुझसे क्या पूछता है क्या लिखिए, नुक्ता हाय खर्दे फजा लिखिए। बारे आमों का कुछ बयां हो जाए, कामा नफल रतब किसान हो जाए, मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे नेश्कर क्या है। ना गुल इसमें ना शाखो बर्ग ना बार, जब खिजां हो तब आए इसकी बहार, साहेब शाख बरगो बार है आम, नाज पर वर्दा बहार है आम, खास वो आम जो ना अर्जां हो, नोबर नखले बाग सुल्तान हो।